Assalamualaikum and welcome back in my kitchen. आज हम बनाने लगे हैं मूंग दाल, हरे मूंग की, अखे मूंग की जो दाल होती है वो हम बनाने लगे, जो कि बहुत ही महकदार, लज्जतदार और स्वाद में तो एक नंबर बनती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। बनाने लगे हैं ये मूंग की दाल, जो जिसे मैंने इसको 4-5 घंटे से भिगो के रख दिया था। ये हरी मूंग की दाल है, तो इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर आप इसे भिगो देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये मेरा लगभग 200 ग्राम है, ये फूलने पर तो ज़्यादा हो गई है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ ओनियन, मैंने काट के रख लिया अनियन, और दो मीडियम साइज़ मेरे पास टमाटो, तो ये भी मैं डाल दूंगी इसी के अंदर। और अब इसके अंदर जाएगा मेरे पास तो अब मैं ले लूँगी एक बड़ा सा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। सारे मसाले हमें इसी में ही डालना है बस। और अब मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी इसी में, इसी में जाएगा मेरा थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसी में नमक, तो ये गया नमक इसमें। और अब मैं इसी में डालूँगी 2 गिलास पानी, और इसे मैं सीटी लगा लूँगी लगभग 3-4 सीटी में, तो ये अच्छे से गल जाएगी। 1 गिलास और ये रही 2 गिलास, तो बस ये बस इतने ही मसाले हमारे जाएंगे इसी में। और अब हम इसे रख देंगे प्रेशर कुक करने के लिए लगभग 4 सीटी में। हम डालेंगे 4-5 हरी मिर्चियाँ। देखिए 3-4 सीटियों में ये मस्की की तरह गल गई है, 3-4 सीटियों में एकदम मक्खन हो गई है। तो अभी हमें इसे 2-4 बार बस इसे घोटना है अच्छे से, और फिर करते हैं इसके तड़के की। दाल हमारी अच्छे से घुट चुकी है और अब हम इसे तड़के की तैयारी करने लगे हैं। मैंने इसमें से जितने भी हरी मिर्ची के जो भी लग रहे थे वो मैंने निकाल दिए, अब हम इसे तड़का देंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं, और यह मेरे पास थोड़ी एक मीडियम साइज़ अनियन है, उसे मैंने स्लाइस कर लिया है, ये हम डालेंगे। और इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे पहले। प्याज देखिए हमारी अच्छे से लाल होने लगी है, तो हम फटाफट से इसमें डाल देंगे हमारे कड़ी पत्ता, और मैंने लहसुन छील के रखे थे वो भी हम डाल देंगे। बड़ा सा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे भी थोड़ा क्रैकल होने देंगे। प्याज हमारी अच्छे से लाल हो चुकी है, तो इसमें हम फटाफट से डालेंगे 1 चम्मच, छोटी सी 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। और हमारे पास घर में कोई सा भी मसाला रखा हो, अगर एवरेस्ट का चिकन मसाला हो या पावाजी मसाला हो, कुछ भी हो, बड़े से 2 चम्मच डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से फटाफट मिला लेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और फिर हमें इसे लगा देना है तड़का फटाक से हमारी दाल। तैयार है हमारी मज़ेदार लज्जतदार मूंग की दाल, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, कुछ करना नहीं होता है, बस इसे आप भिगो के रखिए और देखिए मस्की की तरह, देखिए एकदम मस्त, देखिए कितनी टेस्टी बनती है। चाहे इसे दाल के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे तो इसके चूर के साथ चूर लीजिए और मस्त इंजॉय करिए। तो बनाइए ये मेरी ढाबे स्टाइल की मूंग दाल, और देखिए कितना दिखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी वैसे ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।